दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डीयू की जो डेटशीट आ गई है एसओएल की एनसीवेब की। ये डेटशीट की जो बात चल रही है काफ़ी, कल मैंने आपको वीडियो में आगे दिखाया था कि डीयू की एनसीवेब की डेटशीट आ चुकी है और लगभग सेम डेटशीट चलेगी एसओएल के लिए भी, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम सेम डेट पर ही होते हैं इनके। पर अभी एसओएल की डेटशीट नहीं आई है, आपको बताया एसओएल डीयू और एनसीवेब से थोड़ा लेट चलता है, तो एसओएल डेटशीट एक आध दिन के बाद आ जाती है। लेकिन जो अभी डेटशीट आ रही है डीयू की तरफ से और लिखा है उस पर रेगुलर एनसीवेब, उसमें काफ़ी वो दिख रही है मेरे को, डिस्क्रिपेंसीज दिखाई दे रही हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें कुछ चेंज आ जाए। तो पहले मैं बात करूँगा कि डेटशीट क्या आई है, और ख़ासकर मेरे स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के, बीकॉम के ज़्यादा हैं, तो मैं उनकी बात करूँगा और फिर बात करूँगा थर्ड ईयर की, तो आप लोग जुड़े रहें। एक प्रॉब्लम क्या है, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, उस चक्कर में आप र्यूमर क्रिएट कर देते हो। आप मेरा पूरा वीडियो देखो और र्यूमर क्रिएट मत करो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ठीक है। सीधी बात है कि आपके सेकेंड सेम के और फोर्थ सेम के एग्ज़ाम तो होने ही हैं और थर्ड ईयर के एग्ज़ाम भी होने ही हैं, लेकिन डेट शीट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग रहा है, क्योंकि जो क्लासेज हैं एसओएल की एनसीवेब की उनकी डेट्स अलग चल रही हैं और डीयू की डेट्स अलग चल रही हैं। तो डेट शीट तीनों की कॉमन कैसे कर दी, ये कैसे हो गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ये मेरा आज का टॉपिक भी है, डीयू एसओएल एनसीवेब आपस में तालमेल बिठाओ। हालांकि मैं इन्हीं का पार्ट हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, आपके भले के लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाता हूँ। जैसे कि आपको पता है, पहले भी जब आपका ओबीई एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने साफ साफ कहा था फैकल्टीज़ को कि भैया कॉपी जल्दी चेक करो और जल्दी रिजल्ट निकालो, एसओएल को मैंने कहा था, और आप लोगों ने देखा भी था, वो वीडियो मैंने आपको बना के दिया था आपके लिए। तो वही हुआ था कि रिजल्ट आपका डिले हो गया था, और फिर जब वीडियो बनाया हमने तो नेक्स्ट 1-2 डेज़ के अंदर मैंने मांग उठाई थी अपने ग्रुप में, तो आपका रिजल्ट निकाल दिया गया था फर्स्ट राउंड वालों का ओबीई का। दोबारा से मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूँ कि इसका असर पड़ेगा और डेट शीट में चेंज आएगा, और आप लोगों को बताऊँगा वीडियो के एंड में आपको क्या करना है ताकि डेट शीट थोड़ी सी ये चेंज हो जाए, मॉडिफाई हो जाए, ठीक है। तो पहले जाने से पहले एक बार फिर से, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स बीकॉम के काफ़ी थे और मैंने कल डेट शीट जो दिखाई काफ़ी उनकी आगे पीछे थी, तो आज मैं सिर्फ जो बात करूँगा आपको दिखाने के लिए, प्रॉब्लम क्या है उससे दिख जाएगी हमारे को, और ये भी क्लियर हो जाएगा कि कन्फ्यूजन क्या चल रही है, ठीक है। और थर्ड ईयर वालों को भी मैं बताऊँगा, आप सब वेट करें और पूरा वीडियो देखें, सेकेंड सेम, फोर्थ सेम और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ एसओएल की वेबसाइट पे, ठीक है। तो एसओएल की वेबसाइट पे 25 तारीख आपको दिखाई दे रही है, 25/5/2021, ऊपर लिखा भी आ रहा है वेब sol.du.ac.in इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन क्लास शेड्यूल। तो जो ऑनलाइन क्लास चल रही है एसओएल की, वो आपको उस पर दिखाई देती है, बताऊँगा कैसे। और डेट दिखाई दे रही है 25/5/2021, यानी कि 25 मई तक आपकी क्लास चलेंगी ऑनलाइन, और आप पढ़ेंगे पेपर बीकॉम का फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। और साथ में नीचे देखो बीए का फोर्थ सेमेस्टर। जब बीए और बीकॉम दोनों के फोर्थ सेमेस्टर क्लास चल रही हैं 25 मई तक, तो एग्ज़ाम कैसे 19 मई को शुरू हो रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है एसओएल की तरफ से, तो ये उठ रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको ले जाता हूँ फटाफट डीयू की वेबसाइट पे और आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या है इस बारे में, ताकि क्लियर तो हो कन्फ्यूजन क्या है। तो पहली बात तो ये, हम आ गए हैं डीयू की वेबसाइट पे, exam.du.ac.in, आपको मैंने कल भी दिखाया था, देख लो दोबारा से। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट, ये है डेट शीट, यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है टेंटेटिव डेट शीट। आप लोगों को पता होगा, मैं 100 बार बता चुका हूँ आपको, टेंटेटिव का मतलब फाइनल नहीं होता, मतलब उम्मीद है कि ऐसा ही आपका एग्ज़ाम की डेट शीट बनेगी, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन इसके अंदर हो जाएगा, इसको बोलते हैं टेंटेटिव डेट शीट, ठीक है। तो किसकी है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं खाली एनुअल की है, भाई एनुअल की नहीं है, ये यूजी की भी है, यूजी के अंदर सीबीसीएस की है, लिखा हुआ है चॉइस बेस कैडेट सिस्टम, ये मैंने खुद से अपने घर में नहीं बनाई, ये वेबसाइट पर दिखा रहा हूँ मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो कोई र्यूमर क्रिएट नहीं हो रहा है इससे, तो फालतू के जो एलिगेशन आप सोचते हो कि ये अपने आप से न्यूज़ आ रही है, ऐसी मैं तो कभी भी दिखाता हूँ आपको, हमेशा डीयू की वेबसाइट से ही दिखाता हूँ, मैं अपनी डेट शीट अलग से खोल के नहीं दिखाता आपको। तो ये है आपकी टेंटेटिव डेट शीट, लिखा हुआ है सीबीसीएस एडमिशन, और लिखा हुआ है साफ साफ बीए ऑनर्स सेमेस्टर सेकंड फोर, बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर सेकंड फोर, बीएससी बीकॉम सेमेस्टर, और लिखा हुआ है रेगुलर एंड एनसीवेब। और जब आप मेरा वीडियो पूरा देखोगे तो आपको समझ में आता है, आप लोग क्या करते हो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हो। वीडियो को पूरा देखो, आपकी लाइफ का सवाल है, आपके एग्ज़ाम का सवाल है, र्यूमर क्रिएट मत करो, बातों को समझो। मैंने कल भी कहा था कि बीकॉम की डेट शीट रेगुलर और एनसीवेब की है ये सभी की, और एसओएल की डेट शीट भी ऐसी ही होती है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम भी देखा था पेपर सेम डेट पे ही होते हैं, अलग नहीं होते। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया था कि एसओएल डेट शीट भी लगभग सेम रहेगी। तो ये देखो, ये है आपकी डेट शीट जो अभी तक डीयू ने सजेस्ट की है। 19 मई को पेपर शुरू हो रहा है आपका ई कॉमर्स का फोर्थ सेमेस्टर का, 21 मई को है सेकेंड सेमेस्टर का बिजनेस लॉ, 24 मई को है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फोर्थ सेमेस्टर का, 27 मई को है बिजनेस मैथ एंड स्टैट्स, उसके बाद 29 मई को है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक को है इंग्लिश हिंदी और सारी MIL लैंग्वेज, और लास्ट में है आपका ये 4 तारीख को सारी की फोर्थ सेमेस्टर का सब लैंग्वेज या फिर आपका MIL।
ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन। तो हमने क्या देखा, नोट क्या किया हमने कि जो डेट शीट है वो शुरू हो रही है आपकी 19 मई से, जो मुझे भी कल लगा था डाउट, ये देखो ये रहा, ठीक है। और क्लास चल रही है आपकी खासकर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की 25 मई तक, जो मैं आपको दिखाया अभी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैंने कहा ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है एक आधे दिन आगे पीछे हो जाए, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम है 19 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये डेट जो क्लास है 25 तक चल रही हैं। तो थोड़ा सा मैंने कहा था कल भी आपको कि भाई ये आपकी डेट शीट है थोड़ा थोड़ा सही लग रही है, मैंने यही कहा था, आप मुझे दोबारा वीडियो खोल के देखना, सही लग रही है, SOL की भी ऐसी ही हो सकती है, और क्लास लगभग तभी समाप्त है। लेकिन जो बात है, अब मैंने और थोड़ा ध्यान दिया है इसके ऊपर, तो फिर से वही बात है कि क्लास ख़त्म हो रही है 25 को और एग्ज़ाम हो रहे हैं शुरू 19 को, तो ये डेट शीट मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लगती है। खाली इससे नहीं, आपको मैं दिखाता हूँ NCVAP वालों को, NCVAP वाले देखेंगे, ये है NCVAP वालों का टाइम टेबल, और आप देख सकते हैं साफ साफ क्या लिखा है यहाँ पर, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में भी 18 जुलाई तक NCVAP की क्लास चल रही है, ठीक है। तो ये सब क्या झोल झाल है, यही वीडियो का आज का मैटर है, इसी ने स्टूडेंट्स के अंदर पैनिक क्रिएट कर दिया। मैं भी आपको इन्फॉर्मेशन देने का काम करता हूँ, इसीलिए मैंने कल जो इन्फॉर्मेशन आई, डेट शीट आई, आपको दिखा दी, और मैंने बताया कि ये भी हो सकती है SOL की डेट शीट। लेकिन जो NCVAP है वहाँ ज़्यादा ब्लंडर लग रहा है, क्योंकि जुलाई तक जा रही है उनकी टाइम टेबल। मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरा टाइम थोड़ा कम रहता है, इसलिए वीडियो मैंने आपको बनाना कम कर दिया है, लेकिन मैंने वीडियो दोनों बनाए रखे हैं, ये वाले टाइम टेबल NCVAP का और साथ में उसका SOL का टाइम टेबल मैंने दिखा रखा था आपको, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, वरना आपको दोबारा यहाँ देख ही रहे हैं आप। तो मेन बात क्या है कि जो एक बन गया है, ये बड़ा समस्या है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है आज का, कि सेकंड सेम, फोर्थ सेम एंड थर्ड ईयर डेट शीट में कन्फ्यूजन क्या है। तो मैंने आपको दिखाया कन्फ्यूजन क्या है, कि आपकी क्लास चल रही है एग्ज़ाम के भी बाद, और डेट एग्ज़ाम की डेट शीट आपकी आ गई है 15 मई से। हालांकि जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, पहले मैं उनकी बात कर लूँ, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आप लोगों की डेट शीट जहाँ तक मुझे लगता है ये डेट शीट पूरी 100% रहेगी। और जब मैं बोलता हूँ, आपको पता है कि जब मैं बोलता हूँ 100% सही ही बोलता हूँ। तो थर्ड ईयर वालों को वैसे भी लेट करने का फ़ायदा एग्ज़ाम है नहीं, और उनके एग्ज़ाम में गैप भी काफ़ी आ चुका है, तो ये डेट शीट जो है वो थर्ड ईयर वालों की फ़ाइनल रहेगी जहाँ तक मुझे लगता है। फिर भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को फॉलो करें, और पहले आपको बोल चुका हूँ मैं कि मैं सिर्फ आपको देता हूँ इन्फॉर्मेशन, आप कन्फर्म करें उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, और जो मैं आपको दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन अभी भी, वो भी मैं आपको दे रहा हूँ DU की वेबसाइट से ही। तो थर्ड ईयर वाले टेंशन ना लें, उनका एग्ज़ाम हो जाएगा, उनको डिले करना चाहते भी नहीं है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि डेट शीट आपकी चेंज हो जाए, आपकी डेट शीट चेंज आ जाए, तो मैं बताऊँगा कैसे करना है, थोड़ा आपको 2 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा थर्ड ईयर वालों को। अब बात कर लूँ मैं सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वालों को, भाई उनको तो काम करना ही है कि भाई आपके साथ बड़ी प्रॉब्लम हो गई, एग्ज़ाम आपका अभी हुआ और फटाफट से आपका एग्ज़ाम फिर से आ गया। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो, मेरे वीडियो देखते हो, मुझसे ग्रुप में बात करते हो, मेरे ग्रुप में आप जुड़े हुए हो, तो आपको पता है कि आपको मैंने बताया था कि आपके एग्ज़ाम मई जून में हो जाने चाहिए, क्योंकि जो आपके फर्स्ट सेम के और थर्ड सेम के एग्ज़ाम थे वो लेट हुए थे, वो नवंबर दिसंबर में होने थे, लेकिन किसी कारण से वो मार्च में हुए थे, है ना। तो मैं आपको तब भी कहा था और अभी मैं कह रहा हूँ कि हाँ, आपकी डेट शीट जो बनी है, बननी तो यही चाहिए थी, लेकिन जो आपका क्लास शेड्यूल आया उसको देखते हुए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है मेरे को, है ना। तो होना तो यही था क्लास, आपके एग्ज़ाम मई और जून में ही होने थे आपके, और मैंने कहा भी था वीडियो में, कुछ दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाया था कि आपके एग्ज़ाम मई जून में हो जाएंगे, लेकिन अब जो ये डेट शीट आ गई, थोड़ा सा इसमें 2-4 दिन आगे पीछे होती तो बात ठीक थी। और जो अभी टाइम टेबल आया था NCVAP का, हालांकि मैं उससे थोड़ा सा शॉक हुआ था, लेकिन वो भी जुलाई तक जा रहा था, तो NCVAP का टाइम टेबल जो जुलाई तक जा रहा था उससे साफ था कि आपके जो एग्ज़ाम है जुलाई के बाद ही होंगे, और जो था SOL का टाइम टेबल वो आ रहा था मई तक, मैंने कहा था मई के एंड में या जून के शुरू में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो SOL वालों को दिक्कत 1-2 दिन की है, लेकिन जो NCVAP वाले हैं उनको 2 महीने की दिक्कत है, तो ये दोनों प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ, मैं आपको बताऊँगा क्या करना है आपको। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपके एग्ज़ाम आपके टाइम टेबल से पहले हो रहे हैं, ऐसा होता नहीं है कभी भी, ना तो NCVAP में और ना ही SOL में। तो इस बार ये ऐसा कैसे हो गया, सबसे बड़ी बात यही उठ रही है, इसलिए मेरी लाइन लिखी हुई है DU SOL NCVAP आपस में तालमेल बिठाओ। दोस्तों हुआ क्या है, डेट शीट बनती है DU के अंदर, और DU ही डेट शीट बनाता है, ठीक है, चाहे वो SOL की हो, NCVAP की हो, रेगुलर की हो, डेट शीट बनती है DU से ही, वही पब्लिश करता है अपनी वेबसाइट के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है कि इस बारे में तालमेल की कुछ कमी हो गई है, और इन्होंने टाइम टेबल नहीं देखा SOL का और NCVAP का। DU वालों ने जैसे बनती आई है डेट शीट हमेशा बिना कोरोना वाले टाइम में, ऐसे ही इन्होंने डेट शीट बना दी और सोच लिया कि NCVAP वाले SOL वाले अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अभी अभी कुछ दिन पहले ही जब इनका टाइम टेबल आया है, और शायद उसको DU वालों ने इग्नोर मार दिया, देखा नहीं, तो DU के रेगुलर कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली इससे, क्योंकि उनके एग्ज़ाम और क्लास सब ठीक चलती हैं,
थोड़ा सा S12 NCERT में ही डिले होता है, तो S12 क्लास अभी टाइम से शुरू हो गई थी, NCERT की क्लास अभी 15 मई से शुरू हो 15 अप्रैल से शुरू होने वाली है, तो वो कैसे करेंगे इतनी जल्दी क्लासेस को ख़त्म। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, और ये डेटशीट टेंटेटिव डेटशीट है, तो जो हम लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है हम लोग उसको आगे पहुँचाएंगे, कैसे पहुँचाएंगे बताऊँगा मैं आपको थोड़ी देर के अंदर। तो मेन बात ये है कि टाइम टेबल से पहले आपके शुरू हो गई डेट शीट, और हुआ कैसे बताया कि ये बनी है DU के रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, वो उस पर ज़बरदस्ती S12 NCERT आपको फॉलो करवा देते हैं हर बार, तो इस बार लेकिन टाइम टेबल इनके चेंज होना मुश्किल है S12 का NCERT का, तो थोड़ा सा डेट शीट में चेंज इस बार आ सकता है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाए थे इसी के ऊपर, एक बनाया था लास्ट ईयर, मैंने कहा था जो डेट शीट आई है बेकार है, टेंटेटिव है, एग्ज़ाम होंगे ही नहीं आपके 6 महीने तक, और नहीं हुए थे आपके। फिर लास्ट अभी जो मार्च से पहले जो डेट शीट आई थी फरवरी में, मैंने कहा था ये हालांकि टेंटेटिव है पर 100% चांस है कि ये सही हो, और वो 100% सही निकली थी। अब जो डेट शीट आई है उसमें मेरा कमेंट है टेंटेटिव है, पर फाइनल ईयर वालों के लिए वो 100% सही मान लो, उसमें चेंज बहुत कम चांस है, करना है तो बताऊंगा कैसे करना है। और सेकंड और फोर्थ सेम वाले थोड़ी सी उम्मीद रखें, हम अपना करते हैं वीडियो को आगे शेयर करते हैं और आगे आपको बताऊंगा क्या करना है, तो आप लोग इसको वो काम करें तो आपके एग्ज़ाम टल सकते हैं, चेंज हो सकती है डेट्स, और होनी भी चाहिए, मैं आपसे एग्री करता हूं, हालांकि मैं ऑफिस के अगेंस्ट जा रहा हूं, पर ऐसा मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि टाइम टेबल आपने गलत बनाया हुआ है, टाइम टेबल गलत बनाया हुआ है। तो DU रेगुलर के कम से कम जो है आप लोग ध्यान दें, S12 पे और NCERT पे भी अपनी डेट शीट को मॉडिफाई करें ताकि सबके एग्ज़ाम एक साथ हो जाएं, और जुलाई में एग्ज़ाम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि मैं थर्ड ईयर के लिए नहीं बोलूँगा, सेकंड और फोर्थ के एग्ज़ाम जुलाई तक ही होने चाहिए, क्योंकि UGC ने भी कहा है कि जुलाई तक आप एग्ज़ाम करा सकते हो। ठीक है, जुलाई में एग्ज़ाम शुरू कर लो, सेकंड और फोर्थ सेम में क्या दिक्कत आ रही है, जुलाई में ख़त्म भी हो जाएंगे, नहीं तो आप अक्टूबर अगस्त में ख़त्म कर लो। थर्ड ईयर के एग्ज़ाम तो ठीक है भाई, आपके मई में करा लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या है आपको। मैंने आपको जब डेटशीट दिखाई थी, मैं आपको हमेशा सॉल्यूशन देता हूँ, कभी रूमर क्रिएट नहीं करता, लेकिन आप लोग कुछ पैनिक हो जाते हो। यही ऐसा चैनल है एकमात्र पूरी YouTube पे जहाँ पर 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप पुराने वीडियो उठा के देख लो, जो बताया था वही होता है, जो एग्ज़ाम में बोलते हैं वही आता है, और साथ में कभी भी कोई र्यूमर क्रिएट नहीं किए जाते, र्यूमर को उल्टा यहाँ पे काटा जाता है। अभी आ रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस एग्ज़ाम नहीं होंगे, कैंपेन चला रहे थे लोग बाग, कैंपस खोलो, मैंने साफ साफ कहा था बोल्डली कि कोई कैंपस खुलने वाला नहीं है, कोई एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाले नहीं है, एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे। डेट शीट आपको सामने दिखाई दी, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके, तो यहाँ पर र्यूमर को काटा जाता है, र्यूमर क्रिएट नहीं किया जाता, और साथ में यहाँ पर 100% मिलती है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने वीडियो भी चेक कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन 100% सही होती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आज तक 100% मेरी गलत कोई नहीं हुई, सब इन्फॉर्मेशन 100% सही निकली है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा था, ये मैं आपको कल भी दिखाया था लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते, ये देखो लास्ट टाइम पढ़ो क्या लिखा है, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी द अबव डेटशीट द सेम मे बी सेंड टू ईमेल ID। ठीक है भाई, तो साफ बात है यहाँ मैं कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, कोई मैं कैंपेन नहीं चलाता कि यहाँ भी कैंपेन चलाएंगे, एग्जाम लेट कराएंगे, मैं कोई कैंपेन चलाने वाला ऐसा नहीं हूँ कि मैं कैंपेन चलाऊँ, मैं खाली चलाऊँगा अपना वीडियो और बात करूँगा अपने अपने अथॉरिटीज़ से जो मेरे साथ टच में होती हैं, जैसे मैं लास्ट टाइम भी किया था, और साथ में आपको मैं दूंगा एक तरीका साफ साफ जैसे कि लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी द सेम मे बी सेंड टू ईमेल ID datesheet@exam1.du.ac.in लेटेस्ट बाय 15 अप्रैल 21। ठीक है जी, तो सिंपल सा फार्मूला भी आपको यहाँ दे दिया मैंने, हमेशा देता आया हूँ मैं आपको, कि आपको कोई मॉडिफिकेशन करवाना है तो आप इससे पे ईमेल कर दो। ईमेल क्या करना, जो मैंने वीडियो बनाए थे आपके डिस्क्रिप्ट टाइम टेबल के, कौन से वाले SOL के और NCERT के, तो आप उसकी कॉपी ईमेल में लिख के कि हमारे तो क्लास चल रही है लेट और ये है शेड्यूल, तो काइंडली एडजस्ट और मॉडिफाई द डेट शीट एज पर रूल्स, इतना लिख के आप ईमेल कर दो, और आप देखो फटाफट से आपके ईमेल का इम्पैक्ट आएगा, मेरे वीडियो का इम्पैक्ट तो आएगा लेकिन उससे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा आपके ईमेल का। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और यहाँ पर ईमेल कर दो अपनी प्रॉब्लम्स का, जिसको डेटशीट से प्रॉब्लम है वो यहाँ पर अपना टाइम टेबल सेंड कर दो SOL के NCERT के स्टूडेंट्स, तो चेंज हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब तक कई लोगों ने भेज भी दिया होगा, खासकर NCERT की अथॉरिटीज़ ने और SOL की अथॉरिटीज़ ने इसको नोटिस कर लिया होगा और सेंड भी कर दिया होगा कि भाई आप क्यों करवा रहे हो एग्ज़ाम। तो बहुत उम्मीद है कि एक हफ़्ते के अंदर यानी कि 15 तारीख के बाद कुछ आ जाए इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो टेंशन मत लो, चिल मारो, रिलैक्स रहो, और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स तैयारी करें एग्ज़ाम की, डेटशीट यही रहेगी, और सेकंड और फोर्थ सेम की मुझे 100% उम्मीद है कि आपका कुछ ना कुछ चेंज इसमें आना चाहिए, और आएगा भी, कोई दिक्कत डरने की बात नहीं है ऐसी। ठीक है, तो काफ़ी आप लोगों ने मुझे फ़ोन किए, मैसेज किए, उसके लिए आपको मैं फिर से बोलूँगा कि बी इन टच और अपनी क्वेरीज ऐसी भेजते रहिए। हाँ, मैं बिज़ी हूँ, टाइम कम निकाल पा रहा हूँ आप लोगों के लिए,
ठीक है, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपको एक पूरा वीडियो अच्छे से प्यार से समझा के देखता हूँ। और रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनो और हर बात को ध्यान से देखो, फास्ट फॉरवर्ड मत करो, 10-5 मिनट निकाल लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू।